उत्तर दिल्ली के निहाल बिहार थाना इलाके में निर्माणाधीन दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मृतक व्यक्ति अनिल यादव और रमन पाल सिंह है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मैं जॉब से आया तो मैंने गली में आवाज सी सुनी, फिर उसके बाद मैंने जब प्लाट में झांक कर देखा तो उसमें तीन बंदे फंसे हुए थे जी। फिर उनको फटाफट हमने ईंटें हटाई उनके ऊपर से, उनको फटाफट उठा के गाड़ी में डाल के हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें से कि एक मकान मालिक थे और दो मजदूर थे, जिसकी वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचते ही दो लोगों की डेथ हो गई थी और एक को वेंटिलेटर पर रखा गया। इसी में यहाँ पे मकान बनने का काम चल रहा था, इनका मकान पहले बना हुआ था, तुड़वा के बनवा रहे थे और बगल में भी मरम्मत का काम चल रहा था। दिवाली की थी। गंभीर रूप से घायल राकेश अभी वेंटिलेटर पर है। मृतकों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मंगलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भिजवा दिया गया है। 5:45 के आसपास ये तीन बॉडी, तीन सीरियस पेशेंट अटेंड करे, एक था मिस्टर अनिल यादव, एक रामपाल, रामपाल और अनिल यादव तो बिल्कुल ब्रोड डेड थे जी, उनको हमने ब्रोड डेड डिक्लेयर कर दिया जी। दूसरा था मिस्टर राकेश जी, जो काफ़ी सीरियस कंडीशन में था, गैस्पिंग कंडीशन में आया था, सिवियर हेड इंजरी थी, उसके लिए हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं जान उसकी, अति है वो भी सीरियस और वेंटिलेटर पर है। निहाल बिहार थाने की पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। इस हादसे की वजह कमजोर दीवार के साथ साथ शाम में तेज हवा चलना भी एक कारण माना जा रहा है, लेकिन असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। नवोदय टाइम्स न्यूज डेस्क दिल्ली।